मुंबई की MHB पुलिस ने मॉरिस नरोना नामक एक समाज सेवी को धोखाधड़ी और एक महिला के साथ रेप के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बोरीवली के माननीय न्यायाधीश ने मॉरिस नरोना को 5 दिन की पुलिस हिरासत में रखकर पूछताछ करने का आदेश दिया है। इस संबंध में पीड़ित महिला के वकील गौरव चौबे ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित महिला की अश्लील क्लिप बनाकर उसी को वायरल करने की धमकी देकर परेशान कर रहा था। इस संबंध में जब खबर को कवरेज करने कोर्ट के बाहर कुछ मीडियाकर्मी पहुंचे तो आरोपी मॉरिस नरोना के कुछ गुंडे मीडिया को वीडियो नहीं लेने की धमकी दिए और खबर कवर करने से रोकने की कोशिश किया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह मॉरिस नरोना के गुंडे मीडिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तथाकथित सोशल वर्कर मॉरिस नरोना, ये एक नंबर का चीटर है, रेपिस्ट है। इसने एक मासूम महिला को 88 लाख रुपीस का चूना लगाया, उसके हस्बैंड को चूना लगाया। पीड़िता और उनके हस्बैंड ने जब इससे पैसा मांगना शुरू किया, इसने उनका यौन उत्पीड़न शुरू कर दिया। डरा धमका के, दाऊद का धमकी देके बोला कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, वीडियो क्लिक कर लिए मैडम के, और बोला ऐसा मैं कई और के साथ कर चुका हूँ, जो तुम्हारे साथ कर रहा हूँ कई औरों के साथ कर चुका हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम डर गई, अपनी पीड़िता डर गई, तो उसने ये बात डिस्क्लोज नहीं की। ये अक्यूज्ड में इतना हिम्मत है, ये बोलता है मैं पुलिस किसी से डरता नहीं। हमारी पुलिस से उपेक्षा है कि फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो। इसमें और भी कई औरतों का नाम आएगा, जैसा कि मॉरिस ने हमारी पीड़िता को धमकी दी थी। हमारी पीड़िता को थोड़ा जीवन का भय है, आप लोग थोड़ा बात फैलाइए ताकि उनको पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मिले। वकील साहब, सबसे बड़ी बात, पुलिस कस्टडी दिया गया है, 27 तारीख को वापस हम पुलिस एक्सटेंड कराने का प्रयत्न करेंगे, अगर पुलिस कुछ रिकवर कर पाए तो। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को अपने आप को दाऊद का आदमी बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसीलिए तो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। अब हम फरियादी के, अब पीड़िता के वकील हैं, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। पूरा सरकारी महकमे के हाथ में सब कुछ है, सरकारी वकील जैसा चाहे वैसा आर्ग्यू करे, सरकारी वकील जैसा चाहे वैसा मैटर इन्वेस्टिगेट करे। कौन सी धाराओं के क्या क्या मामला हुआ है? ऑफेंस उन पे 88 लाख का चीटिंग का है, जो 406, 409, 420 और वीडियो, अभद्र वीडियो क्लिक करने का जो ऑफेंस लगता है 354 सादा, 354 सी बी, और मेन ऑफेंस 376 और जान से मारने की धमकी जो उनको और उनके हस्बैंड को दी गई थी 506। पीड़िता और जो आरोपी है क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? बिल्कुल जानते थे, ये लोग एक ही जिम जाया करते थे, वहां से इसने इनको स्टॉक किया। इसने जाना कि ये लोग की कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली है, वो प्रॉपर्टी की बात से इसने बात आगे बढ़ाई। अभी सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, जैसे और चीज क्लियर होती है वो तो आपको पता चली जाए। फिलहाल कोई दलीलें सरकारी वकील द्वारा दी गई? सरकारी वकील द्वारा उन्होंने बहुत अच्छे से अपना काम किया, उन्होंने सारी दलीलें कोर्ट के सामने स्पष्ट की कि इनसे रिकवरी होनी बाकी है। कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर रिकवर नहीं हुआ है आरोपी से। आरोपी बहुत चालाक है, पीड़िता को जीवन का भय है, ये बहुत ही चालाक आरोपी है। आपने कहा वीडियो क्लिक किया, क्या साइबर के तहत भी मामला दर्ज हुआ? फिलहाल साइबर के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस जब कोई वीडियो रिकवर कर पाएगी तो वो धाराएं पुलिस ऐड कर सकती है, उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं हो सकता।